आजादी पर हमला है, देश की डेमोक्रेसी पर हमला है, देश की संसद के जो वैल्यूज है उस पर हमला है, संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया उस पर हमला है। और ये इतना बड़ा इश्यू है कि देश आज लोगों का विश्वास मीडिया पर इसलिए उठ गया कि लोग कहते हैं झूठी खबरें छापते हैं। अरे झूठी खबरें छापने का आप इंतजाम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि पार्लियामेंट में पत्रकार नहीं घुसना चाहिए, तो पत्रकार पार्लियामेंट में नहीं घुसेगा तो कौन घुसेगा? तो आप पत्रकारों को पार्लियामेंट में ना घुसे पत्रकार, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी इज इंप्लीमेंटिंग द गुजरात मॉडल हियर इन द कैपिटल, ही वांट्स टू टर्न पार्लियामेंट इनटू अ नो एक्सेस जोन फॉर द जर्नलिस्ट, वी आर गिवन अ लॉटरी सिस्टम where we can go only once in a day. How much can you cover? We can't talk to any MPs or ministers. We have no access to parliament. That means no access to information. नहीं कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि जो प्रतिबंध है वो गलत है और उसमें कहीं ना कहीं आपको तब्दीली लानी पड़ेगी ताकि पत्रकार जो है खास करके जो जिसे जो कई सालों से कवर कर रहे हैं जिनका अनुभव है या जो नए पत्रकार छोटे पत्रकार हैं छोटे अखबारों से आते हैं उनको आपने एक्सेस देना चाहिए ताकि आप एक तरह से हमारे संविधान में जो के जरिए जो पार्लियामेंट में हो रहा है वो उसकी एक्सेस तो जब तक आप ना दें तब तक मीडिया में एक बड़ी जनता के साथ वो बात कैसे पहुंचे। आई फील इट्स टेरिबल दैट इंक्रीजिंगली देयर आर कर्व्स ऑन रिपोर्टिंग ऑफ ऑल काइंड्स एंड टू स्टॉप पीपल फ्रॉम गोइंग इनटू पार्लियामेंट एंड रिपोर्टिंग ऑन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स is most undemocratic because, well, the nation needs to know. That's why a good protest is being held today and we are speaking up, demanding that the new restrictions imposed last year because of COVID in terms of access to parliament should be removed and that when the new parliament building comes up, there must be access to journalists. Journalists of all kinds, including the ones with long and distinguished service, who are no longer being allowed in, and many others. जिंदाबाद, जिंदाबाद, सारे प्रतिबंध हटाओ, सारे प्रतिबंध हटाओ। यहाँ पर पत्रकार इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि सरकार को के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस मीडिया के ऊपर पार्लियामेंट एंट्री में लगाई गई हैं उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकें। तो सरकार से यही कहते हैं कि बावजूद कोरोना के जो रिस्ट्रिक्शन थी और जब सब कुछ खुल गया है पार्लियामेंट चल रही है तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हटाई जानी चाहिए। हम अपनी आवाज़ उठाएं और सरकार को ये बताएं कि हम आपने जो हमारे ख़िलाफ़ कदम उठाए हैं हम उससे खुश नहीं हैं और जो कदम आपने उठाए हैं वो ठीक नहीं है आपके लिए। आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हम आपसे सवाल कर रहे हैं हमें क्यों रोका जा रहा है, हमें अपने काम करने से क्यों रोका जा रहा है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज हम सब मिलके एक साथ खड़े होके ये कह रहे हैं सरकार से कि हमारे साथ जो है ये अन्याय नहीं होना चाहिए। We want a one-sided convey of his message to the nation, or is it only Godi media which has access? The point is that Mr. Modi doesn't understand that democracy rests on media. If media stops, how do people get informed of what is happening? Mr. Modi has a long history and tradition of not being very friendly. In all these years, he's never held a press conference. He doesn't believe in a two-way communication. What is he trying to hide from the media that's happening in parliament? You see, Raj Sabha is covering. They're not even showing opposition benches protesting. It's only the chair which is there or the ruling party MP. I mean, this cannot be a part of free-flowing democracy, you know, that people need to know what is happening. So I think that Mr. Modi needs to revisit his politics, his way of thinking. हालत ये है कि हम अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के देशों में जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनकी बड़ी बड़ी उनकी आवभगत दुनिया के देशों में होती है, वो दुनिया के देशों में जाके बोलते हैं कि हम पूरी डेमोक्रेसी, आपकी अपनी डेमोक्रेसी खतरे में है। मैं 33 साल से पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करता हूँ, 33 ईयर्स से मैं संसद को कवर कर रहा हूँ और मेरे को कहा गया है कि आप 2 दिन कवर करेंगे तो मैं 2 दिन क्या वो जो बाल जीवन घुटी है कि मैं पीऊँ 2 दिन और पूरे पूरे महीने में क्या होने वाला है क्या मेरे को आज ही पता लग जाएगा। तो ये बेसिकली जो पत्रकारिता का जो पेशा है, जो अखबार पढ़ रहे हैं, ये जो पुलिस वाले ये भी अखबार सुबह सुबह पढ़ते हैं, ये जो मीडिया है हम लोग सब अखबार पढ़ते हैं। अगले दिन आपको जो अखबारों में जो खबर ही नहीं दिखाई पड़ेगी वो खबर दिखाई पड़ेगी जिसको सरकार बताएगी। ये सरकार नहीं रहेगी, जो अगली सरकार जो आ रही है वो बताएगी कि ये खबर है। तो ये जो आप ट्रेंड कर रहे हैं तो आप
सिस्टम के सारे चीजों को आप तहस नहस कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। लॉटरी सिस्टम ये हास्यास्पद है, ये अपमानजनक है। ये लॉटरी सिस्टम ये कर दिया कि अगर 150 पत्रकार हैं तो दो दो पत्रकार जो है पार्लियामेंट कवर करेंगे, जैसे वो कोई मतलब एक मजाक है ये पूरे प्रोफेशन के साथ कि लॉटरी सिस्टम का मतलब दो दिन आप एक पूरे सेशन में दो दिन आप कवर करेंगे, उसके बाद आप घर बैठिए। तो उसके बाद जब वो घर बैठेंगे तो खबरें कहाँ से लिखेंगे। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है, सरकार ये तय करना चाहती है, सरकार ये बताना चाहती है कि देखिए जर्नलिज्म की पत्रकारिता की जरूरत नहीं रहेगी ये भारतवर्ष में, और कोई पत्रकारिता की जरूरत नहीं, सरकार जो देगी सरकार जो बताएगी वही खबर है। ऐसा है जहाँ भी लॉटरियाँ होती हैं वहाँ पर कुछ मिलजुल के थोड़ा बहुत पैसा दे के आप अपना नंबर ले सकते हैं। अगर वाकई लॉटरी सिस्टम हो रहा है तो मुझे बता देना कौन इंचार्ज है, तो मैं अपना नंबर ले लूँगा वहाँ से। ऐसा हो सकता है? लॉटरी में जिसकी लॉटरी खुलती है तो उसको तो मिल जाता है ना, तो आप मुझे बता दीजिए मैं किसके पास जाऊँ जो मेरा लॉटरी का नंबर आ जाए। देखिए ये बेकार की बात है, लॉटरी वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब बातें ये बिल्कुल बेकार बातें हैं कि साहब लॉटरी सिस्टम होगा। लॉटरी सिस्टम क्या होता है? अगर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक संस्था के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे जैसे जर्नलिस्ट कम से कम 400-500 हैं और सबका अपनी अपनी आवश्यकता है, एक जर्नलिस्ट तो पूरा नहीं कर सकता ना, तो लॉटरी सिस्टम का उसमें क्या फायदा है? लॉटरी सिस्टम जो अपमान है मीडिया का, जो पत्रकारों का अपमान है।